लंडन के मशहूर ट्रैफलगर स्क्वेयर के खालिस्तान पक्षी और राष्ट्रवादी आमो सामने नहीं होंगे जानकारी मिल रही है क्योंकि भारत का समर्थन वाली रैली करने की अधिकारिक इजाजत उत्थे नहीं मिली है। इस पिछे हवाला यह दिता जा रहा है कि बहुत समा पहला ही उस थान पर रैली के लिए इजाजत लेनी पैंती है पर बहुत देर बाद उ जो भारत के समर्थक ने रैली की इजाजत दे पहुंचे से बहुत घट समा इस करके उन्होंने रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेहमानों को वापस आवेंगे इस समय सा दिल्ली तो मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के मुखी ने। बिट्टा साहब बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दर्शक टीवी स्क्रीन से देख पा रहे थे तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगा ये रेफरेंडम 2020 का इकट्ठ पंजाब तो दूर हिंदुस्तान तो दूर लंडन दे विच कोई 1% भी प्रभाव पंजाब दे उत्ते पंजाबियों दे उत्ते नजर आता है। इसका मकसद कुछ भी होवे लग रहा है कि पंजाबियों को इसनों लैके कोई चिंता जताने की जरूरत है। पहली गल तो है तुहाडे कोल प्रोफेसर बनजीत सिंह जी शायद बैठे ने कितना सोहना बोल रहे थे असी पॉलिटिशियन फिर भी कितने कितने सोशल काम करते असी राजनीति च आ जन्ने आ साडे बोलन का तरीका और उन्होंने समझाउन का तरीका बड़ा अलग है। मैं समझागा कि मेरा टाइम जे उन्होंने ज़्यादा दे दिता जाए चंगा क्योंकि उन्होंने तो मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश की जो वो बोले ने बहुत ही सोहना बोले ने और विस्तारपूर्वक तरीके जिवें नौजवान पीढ़ी नूं दसण दी लोड़ असीं तां सीधी गल करदे तू तू मैं उन्हां दा बहुत ही सोहना बोले ने और इन्हां दी लोड़ है इस समय च इन्हां दी लोड़ है कि इन्हां नूं हर जगह ते जाके ये लोगों नूं समझाउण और देश दी और पंजाब दी सेवा करन। दूजी गल मैं कहना चाहांगा खालिस्तान ना बणे ना बणन दित्ता ना बणेगा ना बण देंगे ये असीं पिछले टाइम ते अपने शरीरां दे उत्ते बंब खा के अपने दोस्त यार अलग अलग पोलीटिकल पार्टियां कांग्रेस बीजेपी CPM CPI अकाली दल का कुछ हिस्सा अपनिया कुरबानिया शहादत दे के असी टैरिज़म नूं ठीक किया है पर उरे नाल अगर थोड़े पिछोकड़ दे विच जावांगे आपां अगे तां तुर पैंदे आ पर टैरिज़म आया क्यों वो देन किहदी सी असी उस पासे कदी जाण दी कोशिश नहीं कीती अगे वधण दी कोशिश कीते आ नहीं तां असी राजनीतिक लोकां ने रखी वोट दी खातर सत्ता दी खातर सानू समझ नहीं उस वेले आई उस वेले दीआं इंटैलीजेंस एजेंसियां उस वेले दीआं पोलीटिकल पार्टियां कि आ जिहड़ियां नीआं वोट की खातर सदा सत्ता की खातर रख रहे हैं आने वाले टाइम के उत्ते पूरे हिंदुस्तान नूं तबाह करनगियां और साडा पंजाब तबाह होया। जिथों तक अज तक अज रेफरेंडम की गल है मैं बिल्कुल कह देना चाहुंदा ये मुठ्ठी भर लोग ने इन्हां दे पिछे ISI है करनल मल्ली दे नाल बैठ के परमजीत सिंह पम्मा जिहड़ा पंजाब दे विच वांटेड है जिन्हें कई बेगुनाहां दे खून किए भैणां दे सुहाग उजाड़े सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ISI पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिथे साडे रोज जवान पंजाब दे सोहणे गभरू सरदार सरहदां दे गोलियां खा के अपने पंजाब दी अपने राष्ट्र की रक्षा करते शहीद होंदे ने उन्हां दे शरीरां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते जांदे ने उन्हां दुश्मनां दे नाल ये परमजीत सिंह पम्मा उन्हां दुश्मनां दे नाल जिहड़े साडे जवानां नूं शहीद करदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंसां करदे ने इह गल साबित हो गई ये हिंदुस्तान की लड़ाई पाकिस्तान की ISI नाल वो बंगलादेश का बदला लेना चाहता है कश्मीर तो हार चुके है कश्मीर तो कमजोर हो चुके है हुण पंजाब आ गए। बिट्टा साहब तुहाडे कोल आना चाहांगे ब्रेक तो जाण तो पहला जिहड़ा सवाल अधूरा रह गया सी उहदा जवाब जरूर लेना चाहांगे कि आखिरकार जिहड़ा प्रोपेगंडा लगातार हुण फैलदा जा रहा है सीधे तौर पर लड़ाई ना लड़ के कई बार प्रोक्सी वॉर ते कई बार अजिहे जिहड़ियां एक्सट्रीमिस्ट ताकतां होंदियां ने उहनां नूं इकट्ठियां करके भारत दी अखंडता दे खिलाफ खड़ा करन दी कोशिश की जा रही है पर अजिहे लोग जिहड़े खुले तौर पर कहिंदे ने कि खास तौर पर सिख समुदाय के लोगों को कहते हैं कोई पटाके पा दो या फिर भारत सरकार की हिक से असी खालिस्तान का झंडा लहरावे अजिहे लोगों की कुछ सुनेहा भारत वालों जान की जरूरत महसूस होंगी है जी सुनेहा दिता गया सब तो वड्डा सुनेहा हुण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब आ रहे आ गए ने उस तो पहले प्रोफेसर मनजीत सिंह जी बोले जोशी साहब जिहड़े BJP के लीडर वह भी बोले पंजाब दे होर जिन्ने भी सिख समाज के सीनियर लीडर मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा पंजाब जां हिंदुस्तान के कोने कोने चो क्या किसी ने रेफरेंडम का समर्थन किया पहले तो तुहानूं मैं यह सवाल पुछना चाहुंदा ये पहली बारी पंजाब च होया सारियां पोलीटिकल पार्टियां नाल साडे छिकवे गिले किसी दे नाल भी हो सकते ने असी बड़े एक दूजे नूं माड़े शब्दां दा इस्तेमाल किया होएगा पर अज जिथे पंजाब अज जिथे भारत देश उहदे नाल जुड़िया होया पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा असी हिंदुस्तान दे विच रहिंदे आ पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है
उत्थे कोई भी विचार रेफरेंडम के हक च दे विच नहीं निकलिया ते सब तो वड्डी जित है और उत्थे लखां लोग इकट्ठे कर लैण आपां उहनूं की आपणा आपणे उहनां नूं कोई मतलब नहीं साडा इह जड़ है साडी इह ताकत है साडी इह शक्ति है भी असीं अज इक हाँ अज साडियां आपां च बहसां बसाई नहीं हो रही अज असीं अपने अपने विचार अलग अलग तरीके नाल रख रहे हैं प्रोफेसर साहब ने अपने तरीके ना रखिया आ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब आए ने ये अपने तरीके ना रखणगे मैं अपने पर साडे किते ना किते अखीर च उन्हां विचारां नूं देखो साडे इस राष्ट्र लई साडे देश लई ये बड़ा वड्डा बाहर संदेश है उन्हां नूं बहुत वड्डी एक सट वजेगी उन्हां गर्म ख्याली जिहड़े जिहड़े गल्लां करदे ने रेफरेंडम दीआं यही साडी एकता ही शक्ति है बड़ी वड्डी कि जिहड़ा तुसीं सवाल चुक्या वा कि श्रोमणी अकाली दल मान वालों जिहड़ा जिक्र करवाया जांदा वा तां उहनां विच उहनां नूं लैके जिहड़ा तुसीं सवाल पुछिया वा उहदे उपर भी असीं जिक्र करांगे फिलहाल मनिंदरजीत सिंह बिट्टा इस दे उपर एक रिप्लाई देना चाहते हैं फिलहाल उहनां दा रुख कर लैणा बिट्टा साहब की समझदे हो जदों असीं मान साहब नाल भी गल कीती उहनां ने कहा कि मेरे कोलों पुछया नहीं गया एक बार मेरे कोलों पुछया गया सी जनीवा कन्वेंशन दे दौरान पर उदों फंड इकट्ठे कर ले गए पर उहनां नूं दस्सिया नहीं गया जेकर मेरे कोलों पुछया जांदा तां शायद मैं कोई सुझाव भी दे सकदा सी की समझ दो वाकई जे किते ना किते अपनी अपनी स्टैंपां लाने दे चक्कर विच कुछ होर वख-वख गल्लां निकल के सामने आ रही ने या फिर एक मुश्त कह देना चाहिए कि रेफरेंडम 2020 खालिस्तान या पंजाब नूं वंडन की गल कोई भी शख्स भावें पंजाब दे अंदर बैठ के करे भावें पंजाब तो 4000 मील की दूरी से बैठ के करे उस नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिट्टा साहब तुहाडे कोलों रिप्लाई लेना चाहांगा देखो सब तो वड्डी गल पहले तो प्रोफेसर मनजीत सिंह ने अपने बड़े बहुत बुद्धिजीवी बड़े अच्छे विचार रखे उस तो बाद हुण गरेवाल साहब गुरमुख इंसान सामने देखो एंड अपना सजे हुए सिख सजे हुए किड्डे सोहने ढंग दे नाल मेरे ख्याल मैनू भी बोलण दी हुण लोड़ नहीं एडे सोहने ढंग दे नाल उन्होंने विचार रखे सिमरनजीत सिंह मान जी बारे गल कही असी किसे किसे वेले बड़े विरोध च बड़ा कुछ बोले बोल जाने हैं पर अज एक चीज़ की मैं जित प्राप्त अपने पंजाब की समझदा पंजाब की राजनीतिक पार्टियां की पंजाब दे धर्म की एक बड़ी वड्डी जित समझदा अपनी जिंदगी दे विच इन्ना संघर्ष किया पहली बारी देखिया है अज ये रेफरेंडम ने सानू पंजाब नू सारिआं नू इकट्ठिआं करता सारी पोलीटिकल पार्टियां नू इकट्ठिआं करता धर्म दीआं वख-वख गल्लां करन वालिआं नू सानू एक मंच ते खड़ा करता एक पता नहीं वो हरियाणे तो ढिंडा साहब किहड़े जिन्हां नू तां ABC नहीं आउंदी मेरे ख्याल उहनू धर्म की भी कोई गल नहीं आउंदी राजनीति करदे पर सानू पंजाब दे अंदर इकट्ठिआं करता जे अज ये रेफरेंडम नू देख के जिन्हें सानू इकट्ठिआं कीता है अगर अज आपां इकट्ठिआं बह के इदां ही धार्मिक लीडर पोलीटिकल पार्टियां दे लोग पंजाब नू बचाउण लई पंजाब दी अमन शांति तां है पर पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नू एक नवा रस्ता देने लिए कितने अज असी सहु चुक लीए इकट्ठे तो मैं कहना साडा पंजाब फिर सोने की चिड़िया पहले वांगू बन सुकदा है तुसीं देखो आप चार लोग उत्थे बैठे हाँ आप एक भी कोई किसी ना तू तू मैं करन नूं तैयार नहीं और मैं सीख रहा मैं गरेवाल साहब तो कई गल्लां सीखियां मैं प्रोफेसर मनजीत सिंह जी तो कई गल्लां सीखियां मैं धन्नवादी हाँ इन्हां दा कई गल्लां दा मैनू ज्ञान नहीं जिहड़ा इन्हां तो मैं सीख रहा मैं समझदा इह साडी बड़ी वड्डी जित है तुसीं कोई चैनल अज लाओ दिल्ली किते लाओ चैनल कोई किसी से डिस्कशन कर लो तू 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 मैं दे अलावा कुछ नहीं ये पहली बारी इस चैनल दे अंदर वक वक पार्टियां दे लोग धर्म दे लीडर तुसी देखो असी शांति दे नाल अपने देश दी अपने सोहने पंजाब दीआं गल्लां करदे आं ये बड़ी वड्डी जित्त है मैं एक चीज जरूर जाननी चाहांगा बड़ा धन्नवादी हां गरेवाल साहब तुहाडा जो गरेवाल साहब दा बहुत धन्नवादी हां जी कि रेफरेंडम का जो जिक्र असी कर रहे हैं गरेवाल साहब कह रहे थे कि इसमें नहीं इन्ना जिक्र करने की जरूरत जिस तरीके दे नाल असी इसमें लैके चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि ये कुछ लोग ने पर कितने ना कितने वो अगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया उत्ते नौजवानों वरगलाउण की कोशिश हो रही है तो कि सानू नहीं जरूरत किस दे उत्ते असी चर्चा करिए रेफरेंडम उत्ते कि जिहड़े पंजाब दे नौजवान है उन्हां तक सही मैसेज पहुंचे कि आखिर चाहुंदे की ने ये इन्हां दा मकसद की देखो ये सब तो वड्डी गल है साडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है साडे धार्मिक लीडर ने जिन्हां नूं असीं मनदे आ जिन्हां दे सिर झुकाने आ अकाल तख्त साहब है असीं उत्थों प्रचार एक सिख सिखी गुरु महाराज सिखी नूं प्रफुल्लत करन दा प्रचार ते नौजवान पीढ़ी नूं सही रस्ता देण दा प्रचार करिए साडा गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब हुण साडे लई सब कुछ है ना असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भुलीए ना साहिबजादे दीआं कुरबानियां भुलीए ना गुरु भाई गुरु अमरदास जी नूं भुली असी उन्हां दे इतिहासां नूं दोबारा लोकां दे विच जाके अपनी नवीं जनरेशन नूं दसीए ना कि असी नवें नवें रस्ते देने शुरू कर दिए कि कल नूं असी आपां 50 साल बाद 30 साल बाद अपने गुरु महाराज नूं भी भुल जाइए मैं ना नहीं लैणा चाहुंदा मैं बड़ी वड्डी गल तुहाडे नाल करना चाहुंदा साडा हरिमंदर साहिब पवित्र है
ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਡੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੌ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੇਟਾ, 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।